सो so, अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो स्कीम्स हैं सो so, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं आपको मतलब 20 से 30 नाम देखने को मिलेंगे हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को काफ़ी डिटेल में देखेंगे बाकी नाम्स का थोड़ा आपको आइडिया रखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट है आयुष्मान भारत तो सबसे पहले आयुष्मान जो वर्ड है इसका मतलब होता है आयुष्मान भव जब आशीर्वाद देते हैं तो ये बोलते हैं तो आयुष्मान का मतलब है कि लॉन्ग लाइफ ठीक है तो भारत के हर नागरिक की लाइफ लॉन्ग हो तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बेसिकली इतनी बड़ी स्कीम होगी इतना ज्यादा खर्चा सेंटर के लिए नहीं उठाएगा तो ऐसे याद रख सकते हो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो टाइप पता चल गया आपको पर्पस क्या है इसका होलिस्टिकली एड्रेस देल्थ केयर सिस्टम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको होलिस्टिकली एड्रेस करने दैट इज प्रिवेंशन प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल तीनों लेवल्स पे बैकग्राउंड ये किसने रेकमेंड की थी आयुष्मान भारत ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड की थी इसकी सिफारिश की थी इसके कंपोनेंट्स क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जय और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तो ये इसके कंपोनेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज यहां से नोट डाउन करने वाली है दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट आएगी वो ट्रू होगा टू अचीव एंड अचीव द विज़न ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो इस चीज़ को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का विजन अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव है तो इसके फीचर्स क्या है कुछ फीचर्स पड़ती हैं ये वाली चीज़ ये डायग्राम आप मेन्स में भी ड्रॉ कर सकते हो ये मेन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जैसे इसमें क्या है कॉन्टीन्यूम ऑफ केयर टेली

कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर इनमें फर्क क्या होते हैं ठीक है तो इसकी जो फंडिंग होगी वो कौन देगा नेशनल हेल्थ मिशन देगा अब इसका जो सेकेंड कंपोनेंट uh, है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द अर्स्ट वाइल नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हैज बिन रिक्रिस्टेंड एज पी एमजे तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है हेल्थ अथॉरिटी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इट इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड ये सबसे बड़ी एश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में और इसके बेनिफिट्स क्या है ध्यान से सुनना ये छः बेनिफिट्स जो इसमें लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट इस परस्पेक्टिव से है कि इनमें से स्टेटमेंट्स बनती है क्वेश्चन में जब ये स्कीम पूछी जाती है सबसे पहले पांच लाख रुपये पर फैमिली को दिए जाएंगे किसके लिए सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो याद रखना इसमें प्राइमरी इंक्लूड नहीं है प्राइमरी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सेकेंड सर्विस अवेलेबल अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स तो सेकेंड क्वेश्चन सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दोनों में तो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो डे वन से कवर होंगी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि आपको पहले से कोई बीमारियां लगी हुई हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनती है बेनिफिट्स विल भी पॉर्टेबल मतलब कि सिर्फ उसी स्टेट में जहाँ पे आप रहते हो या फिर ऑल ओवर द कंट्री तो ऑल ओवर द कंट्री नो कैप साइज ऑन फैमिली साइज और एज ऐसा नहीं है कि नब्बे साल का बंदा नहीं इसका बेनिफिट उठा सकता या अगर बीस लोग हैं फैमिली में पूरी क्रिकेट टीम है तब नहीं उसका फायदा उठा सकते तो सारे उठा सकते हैं कोई भी साइज कोई भी कैपिंग नहीं है फैमिली साइज के ऊपर और एज के ऊपर टेक्नोलॉजिकलीवन हैस एंड पेपरलेस ट्रांजेक्शन आपको एक कार्ड की हेल्प से कैशलेस ट्रांजेक्शन होंगे तो ये छह सात बेनिफिट है यहाँ से आठ से नो no स्टेटमेंट आपके पास बन सकती है तो ये थी पूरी की पूरी आपकी आयुष्मान भारत स्कीम देन नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो ये भी हेल्थ का, हेल्थ की बात है तो इतना पैसा नेशनल लेवल पे सेंटर नहीं देगा अकेला तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आप पैसे याद रख सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हेल्थ के मामले में तो इसका पर्पस क्या है यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस तो ये क्या देगा इक्विटेबल अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देगा ये ठीक है उसके अलावा फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को तो इसके सेलियंट फीचर्स देखते हैं एक बार वो सब ये सेम सेम है कि स्ट्रेंथन करना है पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड ऑल दैट इसके अंडर दो सब स्कीम्स हैं ये याद रखना नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर दो स्कीम्स है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन तो न, रूरल वाला एरिया के लिए अलग और अर्बन वाले एरिया के लिए अलग ठीक है तो मेन प्रोग्रामेटिक कॉम्पोनेंट क्या है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ठीक है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल नियोनेटल का मतलब होता है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उस बच्चे को और एडोलेसेंट हेल्थ को देखना कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखना अब नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं एक जननी सुरक्षा योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में सबसे पहले जननी सुरक्षा मतलब कि एक प्रेग्नेंट वुमेन उसकी सुरक्षा करनी है फिर जन्नी ने शिशु को जन्म दे दिया तो जन्नी शिशु इन दोनों की सुरक्षा फिर नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स फिर बच्चा बड़ा हो गया तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फिर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स फिर इस तरफ है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट दैट इज आशा आशा की फुल फॉर्म याद रखना ठीक है आशा वर्कर्स तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फिर मेन स्ट्रीमिंग आयुष रिवाइटलाइजिंग लोकल हेल्थ ट्रेडिशन फिर एक डायरेक्ट हॉस्पिटल एंड नॉलेज सेंटर फिर फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस देना फिर रिप्रोडक्टिव मैटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड ये सारे इसके कंपोनेंट है घुमा फिरा के आपको चार से पांच याद रखना ठीक है दैट विल बी मोर देन इनफ फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की अगर बात करें तो इसमें कवरेज क्या हो रही है सारे के सारे स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्टवार्ट सिटी टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन पचास हजार से ज्यादा है ठीक है जिनकी पॉपुलेशन पचास हजार से ज्यादा है तो एक्सटर्नल एड फंडिंग बेसिकली कौन देने दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहे एशियन डेवलपमेंट बैंक क्वेश्चन ये राइज करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था क्या इंडिया इसका एक मेंबर है तो ये सर और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में आपको पता करना है देन एक और स्कीम uh, है कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क तो ये आई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ठीक है जिसमें कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी स्टॉक और स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन कैप्टिन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द कंट्री ठीक है कि कौन सी वैक्सीन कहाँ पे पड़ी है उसका स्टॉकेज कितना है स्टोरेज टेम्परेचर वगैरह इस चीज को मॉनिटर करने के लिए एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टेक्निकल स्पोर्ट के लिए ट्रेनिंग के लिए बॉडीज कौन सी है टेक्निकल स्पोर्ट के लिए आपके पास नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है ठीक है ट्रेनिंग के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है पॉलिसी डायरेक्शन के लिए आपके पास मिशन स्टेयरिंग ग्रुप चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर तो ये सब चीजें हैं ये दो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है आपके पास एक तो है आयुष्मान वाली उसी के अंडर जन आरोग्य योजना आती है दूसरी है मिशन नेशनल हेल्थ मिशन ये दो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों स्कीम्स आपके पास स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं स्पॉन्सर्ड अगली स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम फॉर फैमिली वेलफेयर एंड अदर हेल्थ इंटरवेंशन तो ये सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बड़ा लंबा सा नाम है तो ये सेक्टर स्कीम है ये इसका पर्पज़ क्या है केयर फॉर सिकनेस टू द कंसेप्ट ऑफ वेलनेस सिकनेस से वेलनेस तो ये भी है आपके पास बेनिफिशरी कौन है ऑल द पॉपुलेशन स्पेशल फोकस किसके ऊपर होगा लो इनकम ग्रुप पीपल के ऊपर ठीक है विद सम इसका स्कीम्स दो हजार उन्नीस से बीस तक था तो इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं अभी इसके पांच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे स्वास्थ्य नागरिक अभियान फ्री सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ रिसर्च सोशल मार्केटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स तो ये इंपॉर्टेंट इसके वो थे ठीक है तो ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो मेंस में ऐसे में नेक्स्ट है कुछ अदर स्कीम्स और मिसलेनियस इनिशिएटिव्स तो इसमें बहुत सारे स्कीम्स आने वाली हैं हम अभी सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखो आयुष्मान का मतलब हेल्थ से रिलेटेड डिजिटल का मतलब कुछ आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इसका एम क्या है टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इन्फ्रा ऑफ द कंट्री टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन जो अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कुछ गैप्स है उसको फुलफिल करना तो ये इसका काम है ठीक है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है सबसे पहले एक अभा ऐप लॉन्च किए अभाज ऐप में क्या होगा कि एक चौदह डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर यूजिंग आधार या मोबाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा जिसमें कि आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका रहेगा ठीक है हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा तो ये नंबर क्या है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ए बी एच ए ये क्या है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट फिर है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री फिर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री ठीक है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई ठीक है तो ये तीन चार इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तो ये आपको एक आइडिया रखने इसके बारे में ठीक है फिर एक ई संजीवनी संजीवनी बूटी जैसे पता है कि हमें वो लाइफ देती है तो ई उसके आगे लग गया ठीक है ई का मतलब इंटरनेट से रिलेटेड तो ये टेली मेडिसिन सर्विस है दैट स्ट्राइव टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशंस बाय अ डिजिटल प्लेटफॉर्म तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको फिजिकल कंसल्टेशन दी जाएगी ठीक है तो दो वर्टिकल से इसके एक ई संजीवनी ओपीडी और एक ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो ये दो चीजें हैं इसकी तो ई संजीवनी वर्ड आपको याद रखने की ये टेलीमेडिसिन सर्विस से रिलेटेड है देन जननी सुरक्षा योजना वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये हंड्रेड परसेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन ठीक है तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैटर्नल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है बच्चा पैदा करते टाइम काफी बार हैपनिंग हो जाती है तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जा रहा है ठीक है एमंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो ये लॉन्च हुई थी 2005 में 2005 में लॉन्च हुई थी पर ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें बेसिकली आशा वर्कर जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट लिंक के तौर पे काम करती है जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है और पब्लिक हेल्थ सेक्टर है ठीक है तो वो उसको पूरा रिकॉर्ड रखती है आशा वो, आशा आशा वो वर्कर तो आशा service, तो हेल्प इन अवेलिंग द हेल्थ सर्विस उसको प्रॉपरली बताएगी कि अब आना है अब ये इंजेक्शन लगवाना है अब ऐसे करना है फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स मेजर फोकस इसका ये है टेन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ऊपर और इंसेंटिव दिए जाएंगे आशा वर्कर को एंड मदर फॉर ईच इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो आशा वर्कर और मदर हैं उन दोनों को कुछ इंसेंटिव पैसे दिए जाएंगे अगर आपने हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाई तो बेनिफिशियरी कौन है इसके लो परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ठीक है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द एस सी एस टी वुमेन आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अप टू टू लाइफ वर्थ सिर्फ दो बच्चों तक फायदा मिलेगा आपको ठीक है तो ये आइडिया है आपको तो जैसे रूरल एरिया में मदर को चौदह सौ रुपये मिलेंगे आशा वर्कर को छ सौ मिलेंगे और अर्बन एरियाज में एक हजार और चार सौ रुपये इस तरीके से लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है उसमें रूरल एरिया में सात सौ और आशा वर्कर को छः सौ तो ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ वैसे एक आइडिया रखना है आपको ठीक है कि आशा वर्कर को भी मिलेंगे मदर को भी मिलेंगे तो सबसे पहले जननी सुरक्षा तो हमने देख लिया अब जननी के साथ उस बच्चे की भी शिशु की भी सुरक्षा करनी है तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तो इसका पर्पस क्या है कि वुमेन और न्योनेट्स न्योनेट्स इन दोनों की इन दोनों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना तो होगा क्या फैसिलिटेड जीरो एक्सपेंस डिलीवरी टू प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सेस गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी फॉर देयर डिलीवरी ठीक है तो उसको क्या होगा एक तो फ्री एश्योर्ड एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू फैसिलिटी एंड ड्रॉप बैक उसके बाद इन्फेंट को एक साल तक फैसिलिटीज दी जाएंगी फ्री ड्रग डायग्नोस्टिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा फ्री डिलीवरी वगैरह होगी फ्री डिलीवरी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन ठीक है तो ये दो स्कीम्स है एक शिशु वाली और एक जननी सुरक्षा योजना तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्कीम्स जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो करते रहिए प्रैक्टिस अभी हाईस्कूल क्लासेज के साथ